बीते दिनों देश की कई सड़कों पर सीएए के विरोध में हजारों की तादाद में लोग उतरे थे और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नागरिकता कानून पर अपना विरोध दर्ज कराया था। जैसे जैसे विरोध का शोर कम होने लगा, लोग अब इस कानून के समर्थन में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हमें राजधानी देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला, जहां लोक अधिकारी मंच सीएए समर्थन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। साथ ही परेड ग्राउंड से कई बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट शामिल हुए और उन्होंने मोदी सरकार का इस कानून को बनाने के लिए धन्यवाद कहा। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि ये लोक अधिकार मंच की समर्थन रैली है और देश में जो भी इस कानून के समर्थन में आएगा उसमें सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही बीजेपी भी सीएए के समर्थन में रैली निकालेगी। जनता पार्टी की रैली नहीं है ये, लोक अधिकार मंच द्वारा जो रैली निकाली जा रही है सीएए के समर्थन में, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, केंद्र सरकार के समर्थन में, हम भी उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में रैली निकालेगा और जो केंद्र सरकार के समर्थन में रैली निकालेगा, जो सीएए के सपोर्ट में रैली निकालेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे। हमने तय किया है क्योंकि यह हमने पास किया है सीएए एक्ट, किसी का अहित नहीं है। भड़काया जा रहा है लोगों को, सही तस्वीर रखने के लिए लोक अधिकार मंच ने एक अच्छी पहल की है। मैं लोक अधिकार मंच को बधाई भी देता हूँ। पार्टी ने भी कार्यक्रम एक दो दिन के बाद अलग से तय होंगे। जो भी भारत में कहीं भी सीएए के सपोर्ट में आएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। आप इस रैली में कहीं भाजपा का झंडा बैनर कहीं पर पटका नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये लोक अधिकार मंच जो एक अराजनैतिक संस्था है उस संस्था ने निकाला है, तो अच्छा काम कर रही है, इसलिए सपोर्ट देने हम भी आए। आपको बता दें कि लोक अधिकार मंच के बैनर तले सीएए के समर्थन में हुई रैली में अजय भट्ट के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, भाजपा के राजपुर विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, पूर्व मेयर विनोद चमोली, मसूरी विधायक गणेश जोशी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि देश के कई हिस्सों में सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए, कई जगह तो विरोध प्रदर्शन में लोगों की मौत भी हुई। इसके बाद भी बीजेपी ने सीएए के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का मन बना लिया है और अब उसी प्लानिंग के तहत काम कर रही है। अब समर्थन रैली का आम लोगों पर कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।